क्या आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो इंश्योरेंस के भी अच्छे खासे पैसे आपको पे करने होंगे क्योंकि अभी आपको मिलेगी 1+3 ईयर बंडल पॉलिसी। लेकिन सोचो आपको कैसा लगेगा कि आपको गाड़ी खरीदने के 2 महीने के बाद पता चले कि डीलर या शोरूम ने आपसे इंश्योरेंस के 10 या 20 हजार रुपए तक महंगे चार्ज कर लिए, यानी कि इंश्योरेंस आपको महंगा बेच दिया। तो इससे बचने के लिए हमने एक वीडियो बनाया था कि नई गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे खरीदें। उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि आप डीलर से इंश्योरेंस लेने से पहले उसे ऑनलाइन या अपने एजेंट के साथ कंपेयर करें। बहुत से व्यूअर्स के सवाल आए कि सर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के हम ऑनलाइन कैसे इंश्योरेंस प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूं। ऑनलाइन नई गाड़ी का इंश्योरेंस का प्राइस कैसे चेक करना है, कौन कौन से एडऑन्स आपको अपने पॉलिसी में ऐड करने चाहिए और फाइनली बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कैसे चूज करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपकी डीलर के साथ बात नहीं बनती है, बार्गेनिंग नहीं हो पाती है तो आप ऑनलाइन पॉलिसी कैसे खरीद सकते हैं तो वो लास्ट के फाइनल पेमेंट स्टेप तक मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आज का वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स दूर करने वाला है अगर आप एक नई कार इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सर्च बार में टाइप करना है policybazaar.com। अब ये कोई भी पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इस वेबसाइट का इस्तेमाल सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पे चीजों को कंपेयर करना काफी आसान है, यूजर इंटरफेस काफी आसान है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कार इंश्योरेंस का ऑप्शन। सभी इंश्योरेंस के ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन आज हम कार इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो ये इस पेज पर आ जाता है जहां हमसे मांगा गया है रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन नई गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो है नहीं, तो उसके लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है ब्रांड न्यू कार, क्लिक हेयर, यानी नई गाड़ी है तो हमें यहां पर क्लिक करना है। तो क्लिक हेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे हमारी सिटी का RTO मांगा गया है। RTO क्या होता है? आपके हर एरिया के हिसाब से एक RTO कोड आपको मिलता है, जैसे कि गाड़ी का नंबर होता है जैसे DL02 DL05, तो ये आपके RTO कोड के हिसाब से होता है। ये आपकी सिटी लोकेशन का एक RTO कोड है जो आपको यहां पर डालना है। अब मान लो मेरी गाड़ी जो है वो जहां पर रजिस्टर होगी उसका RTO कोड है DL02 नॉर्थ दिल्ली, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब हमसे पूछा गया है कार का ब्रांड टाइप कीजिए, यानी कौन सी कंपनी की गाड़ी आप ले रहे हैं। यहां पर सारे ब्रांड आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टाटा, मारुति, हुंडई, महिंद्रा, सभी कंपनियां हैं। अगर आपका ब्रांड इनमें नहीं दिखाई दे रहा है तो अदर्स पे क्लिक करके आप यहां सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ब्रांड है मान लो मारुति गाड़ी में ले रहा हूं तो मारुति पर क्लिक करते हैं। कौन सी गाड़ी में ले रहा हूं? ब्रेजा पर क्लिक करता हूं क्योंकि ब्रेजा गाड़ी मैंने सेलेक्ट की है खरीदने के लिए। पेट्रोल वेरिएंट है, सीएनजी है या एक्सटर्नल सीएनजी है, ये आपको यहां से चूज करना है। अगर आपने सीएनजी गाड़ी ली है तो सीएनजी पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको पेट्रोल पर क्लिक करना है। ये डिटेल सारी आपको खुद ही डालनी होगी क्योंकि गाड़ी आप ले रहे हैं तो सारी डिटेल्स आपको ही पता है। मेरा पेट्रोल वेरियंट है तो पेट्रोल मैंने चूज कर लिया है। अब पेट्रोल के जितने वेरियंट है ना वो यहां पर दिखाई दे गए हैं। वेरियंट में आपको अपनी गाड़ी का मॉडल वही एग्जैक्ट डालना है जो आपकी इनवॉइस में आपको लिखा हुआ मिलेगा, वही आपकी RC में आएगा। उसमें क्या है इंपॉर्टेंट, एक तो इंजन की सीसी सेम होनी चाहिए जो भी आपकी RC में इनवॉइस में आपको मिली है, तो वो आपको यहां पर चेक कर लेनी है। मान लो मेरा वेरिएंट है ZXI+AT। AT का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक। अगर यहां MT लिखा होता तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी होती, जैसे यहां पर लिखा है MT तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो ये ट्रांसमिशन का टाइप भी आपको सही लिखना है और इंजन सीसी और वेरिएंट भी आपको सही लिखना है। यहां पर क्लिक करेंगे, अगले स्टेप पर आ जाते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि नाम किसका लिखना है, कि ये गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर होगी। यहां पर ऐसा नहीं कि आप लेने आए तो अपना नाम लिख दिया या पापा लेने आए तो उनका नाम लिख दिया, आपको यहां पर उनका नाम लिखना है जो RC में नाम आएगा, यानी कि जिनके नाम से इनवॉइस इशू की जाएगी। अब मान लो मैं यहां पर नाम डाल देता हूं ओनर का, सुमित। ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल, आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहां पर ईमेल आईडी आपको एंटर करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा परेशानी आपको ना हो तो आप डमी नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपका स्कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, सबसे बड़ी परेशानी है। व्यू प्राइसेस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पर आ जाता है। अब नेक्स्ट पेज पर आया था, अब ये आपसे एक और सवाल पूछ रहा है कि आप ये गाड़ी कितने दिन के अंदर खरीद रहे हैं। मान लो आप अगले 7 दिन के अंदर ये गाड़ी खरीद रहे हैं तो इन द नेक्स्ट 7 डेज आप क्लिक कर सकते हैं। अभी खरीदने में बहुत ज्यादा दिन बाकी है तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर आपको नहीं भी अगर क्लिक करना तो आप आई डोंट नो माई कार डिलीवरी डेट यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं, इससे कोई असर नहीं होगी। जस्ट टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं कि आप अंदाजन कितने दिन में गाड़ी खरीदेंगे। मैं क्लिक करता हूं इन द नेक्स्ट 7 डेज पर, यानी अगले 7 दिन के अंदर मैं गाड़ी लेना चाह रहा हूं। एक्स शोरूम प्राइस, यानी जो भी आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको यहां पर लिखना है ताकि आपकी गाड़ी की सही IDV यानी कि वैल्यू यहां पर डाली जा सके। एक्स शोरूम प्राइस मान लो मेरी गाड़ी का है 12 लाख रुपए, तो वो यहां पर मैं डाल देता हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आई डोंट नो माई कार एक्स शोरूम प्राइस आप यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्स शोरूम प्राइस पता है तो आप वहां पर डाल दीजिए ताकि आपको ऑटोमेटिकली IDV नजर आ जाए। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए यहां पर पूरा मेन्यू है जहां पर गाड़ी की डिटेल दिखाई दे रही है। गाड़ी का RTO है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, साथ में वेरिएंट है पेट्रोल का, मारुति ब्रेजा आपकी गाड़ी है। अब यहां पर देखिए IDV अपने आप आ गई है। कितनी आ गई? 11,40,000, क्योंकि 5% की डेप्रिसिएशन होती है नई गाड़ी के केस में, यानी कि अगर गाड़ी की कीमत 12 लाख रुपए है तो उसका 5%
60,000 रुपए माइनस होकर ही पहले इंश्योरेंस वैल्यू लगेगी, वो है 11,40,000 रुपए। नो क्लेम बोनस जीरो है क्योंकि अभी आप नई गाड़ी ही खरीद रहे हैं, आगे आप क्लेम नहीं लेंगे तो ये नो क्लेम बोनस रिन्यूअल पर बढ़ता जाएगा। एडिट कार करके आप अपनी गाड़ी की डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप यहां से करना चाहें तो उसके बाद अपडेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है नीचे सॉल्ट एंड फिल्टर, यहां पर रिकमेंडेड एड ऑन दिखाए गए हैं। ये कौन कौन से एड ऑन है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है जीरो डेप्रिसिएशन, यानी अगर आपकी गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होगी तो उसके क्लेम अमाउंट से पैसे नहीं कटेंगे पुरानी होने के, यानी कि डेप्रिसिएशन घिसावट चार्ज नहीं की जाएगी, पूरा एमआरपी का क्लेम आपको मिलेगा अगर आपने ये वाला एड ऑन ले लिया तो। पहले 5 साल ये एड ऑन कंपनीज आपको ऑफर करती हैं, तो नई गाड़ी के साथ भी आपको ये एड ऑन ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप ये एड ऑन नहीं लेंगे तो नेक्स्ट ईयर लेने के लिए प्रीवियस पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन होना जरूरी है, इसलिए अभी आपको इसको ले लेना चाहिए। उसके बाद है 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, ज्यादा महंगा नहीं होता है लेकिन कई बार इमरजेंसी में काफी काम आ जाता है, जैसे कि अगर फ्यूल खत्म हो जाता है गाड़ी का, चाबी गुम हो जाती है, टायर पंचर हो जाता है, तो आप रोड साइड असिस्टेंस की मदद ले सकते हैं। इंजन प्रोटेक्शन कवर, ये भी एक जरूरी एड ऑन है, अगर आपकी गाड़ी पूरी ठीक ठाक है लेकिन इंजन को डायरेक्ट नुकसान हो गया है, गियरबॉक्स को नुकसान हो गया है, कैसे नुकसान, जैसे मान लो इंजन के अंदर पानी चला गया या फिर गाड़ी का इंजन ऑयल ड्रेन हो जाता है और उसके बाद इंजन सीज हो जाता है, इस तरह के नुकसान इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन में कवर किए जा सकते हैं। तो ये खासकर उन एरियाज में लेना जरूरी है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, वाटर लॉगिंग होती है, तो उनको तो ये लेना ही चाहिए, नहीं तो आप वैसे भी इसे ले सकते हैं। ये आपके इंजन या गियरबॉक्स को एडिशनल सेफ्टी ही देगा अगर कोई डायरेक्टली नुकसान सिर्फ इंजन या गियरबॉक्स को होता है तो। कंज्यूमेबल का जो एड ऑन है ये उन एक्स्ट्रा आइटम्स को कवर करेगा जो कि आपके इंजन कैबिनेट में होते हैं, जो टाइम के साथ कंज्यूम हो जाते हैं। कौन कौन से आइटम्स, जैसे कि आपका कूलेंट है, इंजन ऑयल है, एसी गैस है, लुब्रिकेंट है, ग्रीस, बेयरिंग, नट बोल्ट्स, ये ऐसे बहुत से आइटम्स हैं जो आपकी नॉर्मल पॉलिसी में कवर कर नहीं है, तो ये आप अगर कंज्यूमेबल एड ऑन ले लेंगे तो ये भी कवरेज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी और कौन से एड ऑन है, देखिए नीचे एड ऑन आ जाते हैं आपके की एंड लॉक रिप्लेसमेंट, अगर आपकी चाबी गुम हो जाती है, लॉक सेट में खराबी आ जाती है तो ये रिप्लेसमेंट का खर्चा आप कवर कर सकते हैं। इनवॉइस प्राइस कवर, ये बहुत महत्वपूर्ण एड ऑन है। अब मान लो आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी लगी है, 11,40,000 रुपए, अगर कभी गाड़ी का टोटल लॉस होता है, गाड़ी चोरी हो जाती है, तो कंपनी की मैक्सिमम देनदारी जो है इसी वैल्यू की है, 11,40,000 रुपए की। लेकिन क्या आपकी ये गाड़ी 11,40,000 रुपए में आपको पड़ी है, यानी सिर्फ इतने ही पैसे आपने दिए हैं? नहीं, 12,00,000 रुपए तो आपने गाड़ी के पैसे दिए हैं, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी आप देंगे और इंश्योरेंस तो हम देख ही रहे हैं कितने रुपए का मिलेगा। तो वो सारी चीजें कवर करने के लिए, यानी अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, टोटल लॉस हो जाता है, तो पूरा ऑन रोड प्राइस का क्लेम मिलता है, खाली आईडीवी का क्लेम नहीं मिलेगा अगर आपने अपनी पॉलिसी में इनवॉइस प्राइस कवर यानी आरटीआई एड ऑन ऐड किया है तो। इसे आप ले सकते हैं, शुरू के 3 साल ही कंपनी इसे ऑफर करती हैं। अब दोस्तों बारी आती है टायर प्रोटेक्टर एड ऑन की। अब आप कहोगे कि सर टायर तो पूरी पॉलिसी, पूरी गाड़ी का हिस्सा है, पूरी पॉलिसी में कवर होना चाहिए, तो अलग से टायर प्रोटेक्टर लेने की क्या जरूरत है? ये टायर प्रोटेक्टर लेने के बाद अगर खाली आपके टायर को नुकसान हो जाता है, टायर कट जाता है, टायर फट जाता है, तो उसका भी कवरेज आपको यहां से मिल सकता है बिना किसी एक्सीडेंट के। तो टायर प्रोटेक्टर एड ऑन आप यहां से ले सकते हैं। इसके बाद सॉर्ट बाय का ऑप्शन है, यानी आप प्रीमियम के हिसाब से कंपनीज को सॉर्ट करना चाहे तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है डिडक्टिबल्स का। डिडक्टिबल का मतलब ये है कि जो भी डिडक्टिबल का अमाउंट आप चूज करेंगे वो हर क्लेम के साथ आपको पे करना होगा, इससे आपकी पॉलिसी थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। तो मैं बोलता हूं कि आपको इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हर क्लेम के साथ कुछ पैसे आपको देने ही होंगे। जितना ज्यादा आप डिडक्टिबल का अमाउंट चूज करेंगे उतना ही सस्ती आपकी पॉलिसी हो जाएगी, लेकिन क्लेम के टाइम उतने ही ज्यादा पैसे आपको अपनी जेब से देने होंगे। एक्सीडेंट कवर की बात आती है, सबसे पहला एड ऑन है ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, यानी जो ओनर है अगर वो खुद ये गाड़ी चलाते हैं और वो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है तो उन्हें ये ओनर ड्राइवर कवर लेना चाहिए। क्या क्या कवरेज इसके अंदर उनको मिलती है? भाई अगर डेथ के केस में 15,00,000 रुपए का क्लेम मिल सकता है। परमानेंट डिसेबिलिटी है, यानी अगर कोई महत्वपूर्ण अंग चले जाते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, 100% डिसेबिलिटी आ जाती है, तो भी 15,00,000 रुपए का क्लेम उनके नॉमिनी या परिवार को मिलता है। इलाज का खर्चा इसमें कवर होगा, यानी ओनर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें इलाज का खर्चा करवाना पड़ता है तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी इसमें कवर किए जाएंगे। तो बहुत से फायदे हैं, लेकिन लेना आपको तभी है जो रजिस्टर्ड ओनर है, जो आरसी में ओनर है, वही इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप इसे ना लें, आपके ये पैसे बच सकते हैं। पेड ड्राइवर कवर क्या कहता है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉई ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा है तो वो पेड ड्राइवर के तहत कवर किया जाएगा, कोई भी लीगल लायबिलिटी इसके तहत कवर की जाएगी। अननेम्ड पैसेंजर कवर, यानी जो आपकी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी है उसमें पर पैसेंजर के हिसाब से आप 1,00,000 रुपया कवरेज ले सकते हैं या फिर आप 2,00,000 रुपया कवरेज ले सकते हैं। अब इससे प्राइस पर कितना फर्क पड़ेगा, देखिए 1,00,000 रुपया कवरेज जो है वो 50 रुपए पर हेड के हिसाब से ऐड होगा। मान लो 5 की सीटिंग कैपेसिटी है और 1,00,000 रुपया कवरेज आपने लिया तो 250 रुपए अंदाजन में ये ऐड हो जाएगा। अगर 2,00,000 रुपया कवरेज चाहिए तो 100 रुपए पर हेड आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। मान लो मैं 2,00,000 रुपया कवरेज यहां पर ऐड कर रहा हूं।
अब फाइनल बारी आती है एक्सेसरीज कवर की। बायोफ्यूल किट कवर यानी आपने सीएनजी बाहर से लगवाई है तो उसका अमाउंट यहां पर एंटर कर सकते हैं। मान लो 40,000 रुपए की सीएनजी लगी तो 40,000 रुपए ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी पॉलिसी में ऐड होकर आपको मिल जाएगी। लेकिन यहां पर गाड़ी सिर्फ पेट्रोल है तो मैं इसको ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ जो सीएनजी यानी बाहर से अगर सीएनजी लगती है तभी इसको ऐड करना है। इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, अगर आपने म्यूजिक सिस्टम लगवाया, गाड़ी आपने खरीद ली लेकिन जो आपका म्यूजिक सिस्टम है वो आपने बाद में चेंज करवा लिया एजेंसी से या बाहर से, तो यहां पर उस इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी की वैल्यू लिख सकते हैं। मान लो 30,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम ऐड हुआ है तो वो आपने ऐड कर दिया। इसी तरीके से नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज यानी कि आपकी गाड़ी में अलॉय व्हील नहीं थे, आपने बाहर से अलॉय व्हील लगवा लिए 50,000 रुपए के, यानी जो भी ऐसी एक्सेसरी जो आपके स्टैंडर्ड व्हीकल का हिस्सा नहीं है और वो आप बाद में आफ्टर मार्केट फिट करवाते हैं और आप उनको भी इंश्योरेंस में कवर करना चाहते हैं तो उनकी वैल्यू आपको यहां पर लिखनी होगी। मान लो 50,000 रुपए के अलॉय व्हील आपने लगवाए हैं तो ये वैल्यू भी यहां पर ऐड हो जाएगी। हालांकि इनका क्लेम कभी भी फ्यूचर में करने के लिए इनके इनवॉइसेस आपको संभाल कर जरूर रखने होंगे, क्योंकि अगर आप वैसे डिक्लेयर कर देंगे आईडीवी तो ये इनकी एक्सेसरीज की वैल्यू आपको क्लेम के टाइम पर प्रूव करनी होगी, उसके लिए इनवॉइस सबसे अच्छा तरीका है। अब ये सारे एड ऑन आपने यहां पर चूज कर लिए हैं, जो भी आप ना चाहें एड ऑन वो यहां से हटा सकते हैं। मान लो मेरे को ये एड ऑन नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया, बाकी सब जरूरी मुझे लगते हैं। इसके अलावा ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर मैंने लिया है, पेड ड्राइवर कवर 2,00,000 रुपए, पैसेंजर कवर लिया है और ये एसेसरीज का अमाउंट मैंने ऐड कर दिया। अब क्लिक करना है बस अप्लाई पर। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये देखिए अब नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर सारी कंपनीज जो जो ये आपको ऑफर कर रही है एडोन्स और आईडीवी ये यहां पर आपको दिखाई दे गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम कंपनीज चूज करेंगे कि बेस्ट कंपनी कौन सी है। उसके लिए सबसे पहले वैल्यू हमें देखनी है कि आईडीवी कंप्लीट कौन कौन सी कंपनी दे रही है। सबसे पहले रहेजा है, रहेजा क्यूबी आईडीवी कितनी है 11,40,000 रुपए, यूनाइटेड 11,40,000 रुपए, नेशनल तो 11,95,000 दे रही है, चोला एमएस 12,45,000। हो सकता है इस मॉडल के हिसाब से हमने एक्शोरूम कम डाला हो तो इसलिए ज्यादा आईडीवी भी यहां पर उठा रहा है। तो इसके बाद देखिए आईडीवी सभी कंप्लीट दे रहे हैं। अब क्लेम सेटल देख लेते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो यहां पर लिखा 98%, यानी हर 100 क्लेम जो फाइल किए गए हैं उनमें से 98% सेटल किए गए हैं रहेजा द्वारा। यूनाइटेड में 95% का सेटलमेंट रेशियो है, नेशनल में 93% का है और चोला में 96% का है। यहीं तक प्राइसेस थोड़े से ठीक ठाक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा नीचे में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो और भी महंगी पॉलिसीज आ जाएंगी। अब इसके बाद दोस्तों में क्या देखना है कि एड ऑन सभी एडेड है कि नहीं। यहां पर देखिए 6+6 जो 6 एड ऑन हमने सेलेक्ट कर रखे हैं वो 6 के 6 यहां पर रहेजा हमें दे रही है। साथ में एक एक्स्ट्रा एड ऑन है लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग, वो भी यहां पर मिल गया है। अब ये एड ऑन यहां पर वेरीफाई हो गए हैं। जो भी कंपनी आप शॉर्टलिस्ट करते हैं उसकी एड ऑन की लिस्ट भी आपको चेक कर लेनी है कि वो सभी 6 के 6 एड ऑन जो आपने चूज किए हैं वो इसके अंदर है या नहीं। ऐसा करने के बाद अब बारी आती है सबसे जरूरी पहलू को चेक करने की, वो है कैशलेस गैराज का। यानी कि कभी भी कोई क्लेम आता है, आप क्लेम फाइल करते हैं तो आपको एडवांस में पैसा नहीं देना होगा अगर आप किसी नेटवर्क फैसिलिटी में नेटवर्क गैराज में जाकर अपनी गाड़ी को रिपेयर कराते हैं तो। अब यहां पर 116 गैराजेस दिखा रहा है जो कि कैशलेस है दिल्ली के अंदर, लेकिन मुझे तो डीलर की गैराज चाहिए यानी जो शोरूम है उनका ऑथराइज वर्कशॉप चाहिए जहां पर मैं ये गाड़ी रिपेयर करवा सकूं। तो रहेजा क्यूबी के लिए दिल्ली, क्योंकि मैंने एड्रेस दिल्ली का डाला है, आप अपने एरिया के हिसाब से चेक कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर ये सारे जो है ना ये शोरूम जो है यहां पर आप डायरेक्टली जाकर अपनी गाड़ी को रिपेयर करा सकते हैं कैशलेस फैसिलिटी के साथ। यानी जो डीलर आपको पॉलिसी दे रहे हैं वो सेम फैसिलिटी कैशलेस की आपको यहां भी मिल जाएगी, लेकिन ये आपको चेक करना होगा क्योंकि ये कैशलेस फैसिलिटी हर कंपनी में अवेलेबल नहीं है। तो कैशलेस गैराजेस आप ऑथराइज्ड यहां से चेक कर सकते हैं और ऑल गैराजेस करेंगे तो यहां पर सभी गैराजेस आ जाएंगी। इस तरीके से अगर आप और भी चेक करना चाहें तो यूनाइटेड का चेक कर सकते हैं कौन कौन से कैशलेस गैराज हैं। यहां पर ये देखिए कैशलेस गैराज आएंगे, ऑथराइज डीलर चेक करें तो यहां पर ऑथराइज डीलर सिर्फ 4 ही हैं, यानी इस कंपनी के अंदर कम है ऑथराइज डीलर थोड़े से। नेशनल की बात करें तो यहां पर सिर्फ 29 कैशलेस गैराज हैं, ऑथराइज डीलर तो सिर्फ 3 ही हैं। यानी सबसे ज्यादा जो शोरूम के ऑथराइज जो वर्कशॉप है इस कंपनी के वो ऑथराइज डीलर जो है वो सबसे ज्यादा इसी के अंदर है यानी रहेजा क्यूबी के अंदर। अब देखिए हमने क्या चेक किया है, आईडीवी हमने चेक कर ली है, एडोन्स हमने वेरीफाई कर लिए हैं, क्लेम सेटलमेंट देख लिया किस कंपनी का अच्छा है, उसके बाद हमने कैशलेस गैराज भी चेक कर लिए हैं। अब बारी आती है प्राइस की। भाई रहेजा हमें दे रहा है 25,074 रुपए में, यूनाइटेड देगा ये पॉलिसी 33,972 रुपए में और नेशनल की ये पॉलिसी आ रही है 34,231 रुपए में। लेकिन ये फाइनल प्राइस नहीं है, इसमें अभी जीएसटी ऐड होना बाकी है। देखिए अब जैसे हम प्राइस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर हमें ले आएगा। अब देखिए यहां पर अमाउंट क्या था 25,074 रुपए में वहां दिखा रहा था, जीएसटी और ऐड हो गया 4,513 रुपए, टोटल प्रीमियम बन रहा है 29,587 रुपए। ऐसे ही आप बाकी कंपनीज का भी चेक कर सकते हैं प्रीमियम। जैसे यूनाइटेड का अगर आप चेक करेंगे 33,972 है विद जीएसटी, देखते हैं कितने का बनेगा। अब वैसे 34,000 रुपए का यहां पे दिखा रहा है तो टोटल 40,000 रुपए का बनेगा, तो प्राइस में भी काफी डिफरेंस है, मान के चलो 5 से 6,000 रुपए का डिफरेंस आ गया दोनों कंपनीज में। और रहेजा के कैशलेस और बाकी जो गैराजेस हैं बाकी फैसिलिटीज भी ठीक ठाक हैं। अब ये जो कंपनीज है ना, अब यहां पर मैं आपको बेस्ट कंपनी इस गाड़ी इस मॉडल इस लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूं, यानी ये सिर्फ इंडिकेटिव मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रहेजा क्यूबी ही बेस्ट कंपनी है।
मैं सिर्फ इस प्राइस, इस मॉडल, इस लोकेशन के हिसाब से फिलहाल जो मुझे कंपनीज दिख रही हैं इनमें से बेस्ट कंपैरिजन आपको करके दिखा रहा हूं। ये कंपनीज आपकी लोकेशन, आपकी गाड़ी, आपके वेरिएंट, आपके आरटीओ के हिसाब से चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अब प्राइस अच्छा है, क्लेम सेटलमेंट अच्छा है, आईडीवी अच्छी है, एडवांस अच्छे हैं और कैशलेस गैराजेस भी अच्छे हैं, तो मैं इस कंपनी के साथ प्रोसीड करता हूं, यानी रहेजा के साथ। अब ये मुझे पता चल गया। अब ये स्टेप तक आने तक क्या है, आपको डीलर से बात करनी है। मान लो यही इंश्योरेंस डीलर का है 45,000 रुपए का, तो डिफरेंस आ गया कितना, ये 29,500 का, मान लो 30,000 रुपए का मोटा मोटा हम लगा लेते हैं, तो वो 45,000 रुपए का डीलर से हमें इंश्योरेंस मिल रहा है, डिफरेंस आ गया 15,000 रुपए का। आपको कोशिश करनी है कि आप डीलर से इंश्योरेंस खरीदें, पहले बार्गेन करें कि भाई मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है कि मुझे 30,000 रुपए में सेम एडोन सेम कवरेज के साथ ये ऑप्शन मिल रहा है। अगर वो आपकी बात मानते हैं तो आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा, आप डीलर से भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अगर 1,500 रुपए का डिफरेंस रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डीलर से इंश्योरेंस पॉलिसी लें, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा उनका स्किन इन द गेम बढ़ जाता है, यानी उनकी कोऑपरेशन थोड़ी सी और ज्यादा आपको मिलेगी क्योंकि ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मार्जिन ज्यादा रहता है, डिफरेंस ज्यादा रहता है, तो आप ऑनलाइन पॉलिसी भी खरीद सकते हैं। अब इस स्टेप पे आने के बाद अगर आपकी बार्गेनिंग का जो स्टेप है वो वहां पर क्लोज हो जाती है, डील आपकी डीलर डिस्काउंट कर देता है, तो वहां से इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, नहीं तो कंपैरिजन आपको इस तरीके से करना है, यहां तक मैंने बता दिया है। अगला स्टेप क्या है कि अगर मान लो डीलर कहता है भाई मैं 1 रुपया कम नहीं करूंगा, और आपको लगता है कि ये 10-15-20,000 रुपए जो भी एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया जा रहा है नाजायज है, तो आप इसके बाद यहां से पॉलिसी प्रोसेस कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है, यहां से आपका कार का मैन्युफैक्चरिंग मंथ पूछा गया है जो आपको मिलेगा आपकी इनवॉइस के अंदर। अब ध्यान रखिए ये प्रोसेस जब आप कंपैरिजन, प्राइस कंपैरिजन तो आप यहां तक कर सकते हैं बिना किसी इनवॉइस के भी, लेकिन इससे आगे पॉलिसी खरीदने का जो प्रोसेस है वो आपको तभी करना है जब आपके पास इनवॉइस या बाकी डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, क्योंकि आगे गाड़ी के इंजन नंबर, चेसी नंबर और बाकी डिटेल्स भी आपको डालनी होगी। तो कार का मैन्युफैक्चरिंग मंथ एज पर आरसी यानी एज पर इनवॉइस आपको यहां पर डालना होगा। मान लो फरवरी 2024 का है तो यहां पर हम डाल देते हैं। कार किसके द्वारा ओन की जाती है, कंपनी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में करता हूं, क्या कार के अंदर कोई सीएनजी एलपीजी किट है, नहीं है। यहां तक करने के बाद ज्यादातर लोग ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि हर रोज हम नई गाड़ी खरीद रहे हैं और हर रोज ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो यहां तक आने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। पेमेंट के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ आ रहा है कि आफ्टर पेमेंट वी विल आस्क यू टू फिल अ फ्यू डिटेल्स एंड कंप्लीट योर केवाईसी फॉर पॉलिसी इश्यूएंस, यानी हम आपसे आपकी केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर की डिटेल्स मांगेंगे, यानी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बाद वेरीफाई होने के बाद ही आपको ये पॉलिसी इशू की जाएगी। लेकिन यहां मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, देखिए क्योंकि आप ये काम हर रोज नहीं करते हैं और आपने इस प्रोसेस को पहले नहीं देखा है तो हो सकता है कुछ गलती आपसे हो जाए, तो पेमेंट करने से पहले आपको क्लिक करना है टॉक टू एक्सपर्ट पर, जो सबसे ऊपर राइट साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, टॉक टू एक्सपर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो इस नंबर पर कॉल करना है 1800-419-7716, और अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है 1800-258-5970, यानी ये सर्विस का नंबर है, वो सेल्स का नंबर है। जैसे ही आप कॉल करेंगे वो अपने आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से या वैसे भी वो देख लेंगे कि आप कौन सी गाड़ी का इंश्योरेंस चूज कर रहे हैं और कौन क्या क्या डिटेल्स आपने फिल की है, उसके बाद वो आपको गाइड करेंगे कि आगे आपको कैसे प्रोसेस करना है। पेमेंट करने से पहले मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एक्सपर्ट से आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट अगर आप कर देंगे और अगर कोई प्रीवियस ऐसा स्टेप है जो आपने मिस कर दिया है, कोई डिटेल गलत डल गई है या और चीजें हैं, तो फिर आपको अपना पैसा वापस रिफंड पाने की बिना वजह की परेशानी को बियर करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यह है किसी एक्सपर्ट की मदद लें, तो टॉक टू एक्सपर्ट पर क्लिक करके आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपने पैसे पे कर दिए हैं तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है, अगर आपने पैसे पे नहीं किए हैं तो ऊपर वाले सेल्स वाले नंबर पर कॉल करना है, आगे वो आपको गाइड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास ओनर का होना चाहिए, और अगर ये गाड़ी किसी कंपनी के नाम पर है तो उनका जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या बाकी और कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, जिसकी वजह से वो केवाईसी में कोई भी दिक्कत आपको ना आए। पेमेंट करने से पहले सारी चीजें आपके पास होंगी तो एक्सपर्ट से बात करके आप आगे पेमेंट करें, अपने जो भी डाउट्स हैं क्लेरिफाई करें, साथ में गाड़ी की डिटेल्स भी आपसे आगे फिल करने के लिए कही जाएंगी जो आपको गाड़ी की इनवॉइस के हिसाब से करनी है। अब हो सकता है डीलर भी आपको इनवॉइस देने में थोड़ी आनाकानी करे, क्योंकि भाई आप 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए की गाड़ी वहां से खरीद रहे हो और 30,000 रुपए का इंश्योरेंस कहीं बाहर से करवाओगे तो थोड़ी तकलीफ तो होती है, तो उस चीज को दिमाग में लेकर चलें, तो उनको बोलें कि सर या तो आप डिस्काउंट कर दीजिए या मुझे इनवॉइस दे दीजिए ताकि मैं अपना ऑनलाइन इंश्योरेंस कर सकूं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपने पैसे बचाने हैं और आपको चीज भी ठीक ठाक मिल रही है, सारी कवरेज आपको मिल रही है, आईडी भी ठीक ठाक मिल रही है। तो यहां तक ये प्रोसेस फॉलो करने बाद आपको टॉक टू एक्सपर्ट पे बात करके ही अपना प्रोसेस फॉलो करना है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि नई कार के इंश्योरेंस के प्राइसेस कैसे आप ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप तरीका फॉलो करेंगे तो ये तो मुझे समझाना था इसलिए थोड़ा इतना टाइम लग गया नहीं, लेकिन अगर आप खुद चेक करेंगे तो 5 मिनट
मिनट के अंदर आप अपनी बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी को फाइनल कर सकते हैं इस बताए गए तरीके से। और आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, जैसे गाड़ी का इनवॉइस है, डिलीवरी चालान है, या इसके अलावा जो ओनर है उनके केवाईसी वगैरह है, वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उन डिटेल्स के बिना पॉलिसी खरीद तो नहीं पाएंगे। लेकिन प्राइस कंपेरिजन करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ताकि प्राइस कंपेयर करके आप डीलर से बार्गेन कर सकें। ऑनलाइन के साथ साथ आप अपने एजेंट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, हो सकता है ये पूरी प्रोसेस आपको ना करनी पड़े और आपका एजेंट ही आपको कोई एक सस्ती पॉलिसी ऑफर कर दे जो कि ये सारी कवरेजेस भी आपको देती है, साथ में कैशलेस फैसिलिटी भी आपको मिल जाए, ये आप जरूर एंश्योर करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, किसी पॉइंट को लेकर कोई सवाल है कि कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का जवाब देकर। इस वीडियो को अगर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।